नमस्कार दोस्तों, हमने कहानी सुनी हुई है खरगोश और कछुए की। कुछ समय पहले भी मैंने यही दो कैरेक्टर्स लेके इसी कहानी पे डिस्कस किया था, लिंक कहीं ऊपर मिल जाएगा या मे बी डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम इसी कहानी को एक दूसरे एंगल से, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हम लोगों को सबको पता है कि भाई खरगोश और कछुए की कहानी में कछुआ जीत जाता है एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एंड वी ऑलवेज हाईलाइट द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस। लेकिन हम में से किसी ने भी कभी खरगोश की तरफ से समझने की कोशिश की कि आखिर वो खरगोश हारा क्यों, वाई डिड द हेयर लूज द रेस। तो इंसिडेंटली मेरी उस खरगोश से मुलाकात हुई और उसके साथ जो मीटिंग हुई, आई मस्ट टेल यू इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो अब उसी की ज़ुबानी आपसे शेयर करते हैं। हाँ जी, मैं ही वो खरगोश हूँ जो रेस हार गया। मैं कोई कामचोर या आलसी नहीं हूँ। मैं बताता हूँ उस दिन ज़रा हुआ क्या था। तो जब वो रेस चालू हुई तो मैं बड़ी रफ्तार से दौड़ता हुआ, कूदता छलांगता हुआ काफ़ी आगे निकल गया था। मैंने पीछे पलट के देखा तो कहीं दूर दूर तक कछुआ नज़र भी नहीं आ रहा था। उस कछुए ने मुझे काफ़ी समय से परेशान करके रखा था। एक तो उसने ही मुझे छेड़ा कि भाई मैं सबसे बढ़िया रेसर हूँ और आई कैन कीप ऑन गोइंग फॉर माइल्स एंड माइल्स एंड माइल्स। तो मैं उसे प्रूव करना चाहता था कि भाई मैं उससे बेटर रेसर हूँ। रात भर इस चक्कर में मैं सो भी नहीं पाया था। मेरे पास डिसेंट लीड थी तो इसीलिए एक बिछौना था लेके, साइड में अच्छी सी घास थी तो उस पर मैं थोड़ा सा लेट गया। वहाँ पे बगल में रिवर स्ट्रीम चल रहा था तो पानी की कलकल आवाज़ है, चिड़ियों की चहचहाट है, द कोइंग ऑफ द कोयल एंड एवरीथिंग। तो इतना सुंदर माहौल था तो मुझे हल्की सी झपकी आ गई। उस झपकी में मैंने अपने सपने में देखा कि मैं एक लकड़ी के टुकड़े पे, आई एम ऑन अ लॉग ऑफ वुड, और मैं इस रिवर में फ्लो कर रहा हूँ और आगे जाके वो जो लॉग ऑफ वुड है एक कॉर्नर से, एक रिवर बैंक से टकराता है, जहाँ पे देयर इज एन ओल्ड मैन सिटिंग, एक एजेड बाबा हैं विद अ वाइट फ्लोइंग बेर्ड। ही गिव्स मी एन ऑल नोइंग स्माइल और वो मुझसे पूछते हैं, हु आर यू, तुम हो कौन? तो मैं बोलता हूँ कि आई एम द हेयर एंड आई एम रनिंग द रेस। तो अब वही बाबा मुझसे पूछते हैं कि तुम ये रेस दौड़ क्यों रहे हो, वाई यू रनिंग इट? बिकॉज मैं सबको प्रूव करना चाहता हूँ कि आई एम द फास्टेस्ट। तुम क्यों प्रूव करना चाहते हो? मैं अगर ये रेस जीत जाऊँगा तो मुझे मेडल मिलेगा और मुझे रिकग्निशन मिलेगा और मुझे खूब सारा खाना मिलेगा। तुम इस जंगल में हो, तुम चारों तरफ अपने देखो, यहाँ खाने की कोई कमी है? अथाह तो खाना है, यहाँ घास है तुम्हारे चरने के लिए, यहाँ फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, व्हाट एवर यू विश, एवरीथिंग इज ऑलरेडी हेयर। मैं लेकिन फिर भी अपना नाम कमाना चाहता हूँ। तुम्हें पता है कि आज से 100 साल पहले सबसे तेज खरगोश या चीता या शेर कौन था, उसका नाम क्या था? नहीं, आज तुम्हें उस टॉर्टोइज ने चैलेंज कर दिया और तुम्हें रेस करने लगे। कल तुम्हें कोई कोबरा चैलेंज कर देगा, परसों तुम्हें कोई हिरन चैलेंज कर देगा, उसके बाद कोई और। तो क्या ये रेस तुम हर दफे इसी चीज के लिए करते रहोगे, प्रूव करने के लिए? आर यू श्योर यू आर रनिंग फॉर द राइट रीजंस? मैं रेस तो इस तरीके से नहीं कर सकता हर बार, और आप जो कह रहे हो बात भी सही है। तो खाना तो तुम्हारे इर्द गिर्द है ना, तुम चाहते क्या हो? मैं इंजॉय करना चाहता हूं, मैं रेस्ट करना चाहता हूं, मैं पानी में खेलना चाहता हूं। कल किसने देखा है, कल जाने क्या हो, इट्स राइट हेयर एंड नाउ। तो वो जो खरगोश है एक तरीके से वो अपनी नींद से जागता है, उसे रियलाइज होता है एज इफ कि यार वो कर क्या रहा था, वॉज ही डूइंग, वॉज ही लिविंग हिज लाइफ फॉर द राइट रीजंस। वो उछलता कूदता हुआ एक्साइटेड सा एकदम नदी में कूद जाता है। तो वहां पे कुछ डक्स वगैरह थी, वो एकदम से सरप्राइज हो जाती है कहाँ से खरगोश कूद के आ गया। तो वो उस खरगोश को देख के कहती है कि आंट यू द सेम हेयर, तुमको तो रेस में पार्टिसिपेट करना था ना, तुम तो दौड़ रहे थे ना। यस आई वॉज, बट आई एम नॉट एनी मोर। दैट डे आई लॉस्ट द रेस बट आई वन बैक माई लाइफ। थैंक यू।